फ्रेंड्स कैसे आप लोग यार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म वन के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे वो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आप पे केस बेस्ड क्वेश्चन दे देगा पूरा, और बहुत सारी उसमें लाइंस लिखी होंगी और कहेगा बताओ यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, चार आपको वो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट है कि एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएगा ही आएगा आप लोगों के टर्म वन के बोर्ड एग्जाम में बिजनेस स्टडीज के। दूसरा क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर। अगेन द सेम थिंग हो सकता है वो आपको अदर्शन रीजन क्वेश्चन दे दे, एक अदर्शन दे दे रीजन दे दे और पूछेगा बताओ कि ये दोनों सही है या नहीं है। जनरली वो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर ही बनता है, तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आपको अच्छे से सारे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग याद करने पड़ेंगे। तीसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखो वैसे तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बहुत छोटा है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में, क्योंकि सारे आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे 40 के 40 क्वेश्चन, और मैं चाहता हूँ कि आपके फुल आउट ऑफ फुल यानी 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल करके जाना, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है प्योर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन द सेम थिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन देगा, पूछेगा बताओ यहाँ पे कौन से प्योर के प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है प्योर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट भी सेम केस बेस्ड क्वेश्चन, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा कि कौन से डायमेंशन की बात हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको सारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। सारी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज करके जाना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये सारे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को करके जाना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डेफिनेटली ये भी आपको देखने को मिलेगा। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगी। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो फंक्शनल फॉर्मैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, जिसमें वो आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पे कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। डिविजनल स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा एक क्वेश्चन। देखो दो स्ट्रक्चर होते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें से आपके डिविजनल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। और लास्ट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी अच्छे से करके जाना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 10 ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये 10 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।